नमस्कार, एक बार फिर से मैं सुदेश पुनिया आप सभी देखने वाले तमाम दर्शकों का चैनल में स्वागत करता हूं। और इस समय मैं चोपटा मंडी में हूं। यहां पर बता दें आपको कि थोड़ी देर पहले यहां पर किसानों ने धरना लगा दिया था और जो अनाज से भरी हुई जो गाड़ी जा रही थी उसको भी किसानों ने यहां पर रोक लिया था। कारण इसका रोकने का ये था कि किसानों का दो दिन से जो मूँगफली है उसका यहाँ पर निपटारा नहीं किया गया था। अब प्रशासन के जो तमाम अधिकारी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, किसानों के साथ बातचीत चल रही है, उनके साथ किस तरह की बातचीत चल रही है वो भी हम तमाम अधिकारियों से पूछेंगे। और धरना लगने के बाद जो अधिकारी है, जो प्रशासन है, वो सत्ते में आया और इसमें अब किसानों के साथ बातचीत हो रही है और क्या कुछ समझौता रहेगा वो भी चलिए हम आपको दिखाते हैं। अभी किसान धरने पर यहाँ धरना लगा दिया था, आपकी जो सरकारी गाड़ी उसको भी रोक लिया गया था। सुनने में यह है कि दो दिन से यहाँ किसान बैठे हैं, कल चार सैंपल लिए गए थे, उसमें तीन जो है सैंपल रिजेक्ट कर दिए गए, एक सैंपल ऐसा कुछ सामने आया है, उसके बाबत आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि जो यहाँ पे जिस बंदे की ड्यूटी थी ना, जिस उसको कल बीपी लो हो गया और चक्कर आ गया था उसको जी, और वो एडमिट है जी। इसके बाद क्या हुआ, फिर दूसरी टीम आई जी, उन्होंने आके चेक किया जी, सैंपल पांच सैंपल किए थे और पांचों रिजेक्ट थे। तो वे सरकार के जो निर्देश है जी, कि इसके जो नॉर्म बना रखे हैं जी, वो एज पर नॉर्म नहीं थे जी, तो वो रिजेक्ट हो गए थे जी। आज दोपहर 12 और 1 बजे तक भी किसानों की खरीद नहीं हुई, ना कोई यहाँ पर जो जो करने वाला था मॉइस्चर चेक, वो भी कोई अधिकारी नहीं था। ऐसे में सुबह से किसान भी परेशान थे। नहीं, वही है ना, फिर डीएम साहब ने एक टीम बना के भेजी है अभी जी, कि वो उस बंदे की तो प्रॉब्लम है, एडमिट हो गया वो, तो अभी टीम आई है और जो भी किसानों के साथ डिसाइड होगा वो करेंगे। तो इस मामले में सर कल क्यों संज्ञान नहीं लिया गया, जब आपको इस बात का पता चला भी हमारे एक अधिकारी को दिक्कत है? नहीं लिया गया, तभी सुबह परेशानी हुई, तो ऐसे में फिर कल क्यों नहीं लिया गया संज्ञान? लिया गया ना कल, जब तो टीम आई थी कल, तो 12 बजे के बाद पहुंचे फिर अधिकारी तो यहाँ, जब किसानों ने धरना लगाया है उसके बाद से मतलब आपका जो प्रशासन है वो एक्शन में आया है, उससे पहले कोई एक्शन नहीं? उसके बाद क्या है, स्टाफ जितना है सबकी ड्यूटियाँ लगी हुई है जी, और स्टाफ की अब दूसरी जगह से अरेंज करके फिर भेजा, सबकी ड्यूटियाँ मंडियों में है, आपको पता है कितनी मंडियाँ हैं? मतलब धरना किसानों का धरना लगने के बाद अरेंज किया गया है? नहीं नहीं नहीं, अरेंज क्या, वो स्टाफ है वहाँ से अब करके अरेंज में तुम जाओ, वहाँ काम तो वहाँ भी चल रहा है मंडियों में, अब टीम बना के भेजी है जैसे भी होगा, और किसान मान भी गए, अब देखते हैं इनके सैंपल देखते हैं। अब सैंपल वगैरह कितनी देर में शुरू होने के चांसेस है सर? अभी बस किसानों से बात होती है, सैंपल शुरू है जी। हाँ जी, अभी हो जाएगी जी। सर, आपके जो सुबह जो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि कल की डेट में जितने भी टोकन कटे थे उनकी सभी परचेजिंग हुई थी, लेकिन किसानों ने यहाँ पे आरोप लगाया कि हमारे 5 तारीख के यहाँ पे टोकन कटे हुए हैं, उनकी अभी तक कोई सैंपलिंग वगैरह नहीं है। देखो, मेरे को पता नहीं कौन था यहाँ, किसने ये बात कही है, जिसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि ये बात किसने कही। अब आपने ये जो आंदोलन जो धरना ये खत्म किया, ये किस आश्वासन के लिए? नहीं, हमने ये कहा कि सैंपलिंग करेंगे और जो नॉर्म आए हैं, जो इसके नॉर्म बनाए हुए हैं, उसके अंदर जो भी पास होगी वो डेटा सारी की जाएगी, किसान इसके लिए राजी हैं। शुक्रिया सर। ओके।